हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित मोडो व्लॉग्स के अंदर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर अपन होंडा की न्यू बाइक SP160 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका ऑफिशियल ट्रेजर रिलीज हो चुका है हाल ही में। बाकी दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं इसके लॉन्च डेट, प्राइजिंग के बारे में, उसी के साथ में फीचर्स की। बाकी आप इस वीडियो को फेक न्यूज़ नहीं बता सकते क्योंकि इसका ऑफिशियल ट्रेजर आ चुका है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। वहीं दोस्तों ये बाइक जल्द ही लॉन्च होने वाली है, अब इसकी क्या लॉन्च डेट रहेगी ये भी जानेंगे, सारे फीचर्स भी जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ हमें फोटोज मिली है इस बाइक की, उस हिसाब से अपने को इसका लुक देखने को मिल जाएगा। यानी कि अपन बात करें इसके टेल लाइट की, तो टेल लाइट अपने को काफी ज्यादा शानदार लुक के साथ में देखने को मिल जाएगी, जो कि स्पोर्ट्स लुक में रहने वाली है। अभी तक इसका जो रिवील हुआ है ऑफिशियल ट्रेजर, उसके अंदर अपने को पूरा लुक देखने को नहीं मिला। इसमें अपने को केवल टेल लाइट देखने को मिल रही है, इंडिकेटर मिल रहे हैं, इंडिकेटर अपने को हेलोजन में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें आगे इसके इंजन के कौन सा रहने वाला है, तो आपने यूनिकॉर्न 160 का नाम सुना होगा, उसका इंजन इस बाइक में रहेगा। हालांकि थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, अब आपको इसमें BS7 इंजन मिलेगा, यानी कि BS6 फेज 2 वाला OBD2 सेंसर पे काम करेगा। E20 वाला इंजन रहने वाला है, यानी इथेनॉल रहेगा 20%। बात करें आगे इसके ब्रेकिंग सिस्टम, आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा, काफी अच्छी बात है। उसी के साथ में अपने को मीटर की बात करें तो मीटर भाई फुली डिजिटल कंसोल मीटर मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। अभी तक इसका कोई भी रिवील नहीं हुआ कि मीटर के अंदर क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर कोई भी मीटर की अपडेट आती है तो मैं वीडियो बना के अलग से बता दूंगा दोस्तों। बाकी मीटर आपका कैसा रहने वाला है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। बात करें आगे तो इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स रहने वाला है, जो कि आपका मैनुअल रहेगा। बात करें इसमें किक और आपको सेल्फ दोनों मिलने वाले हैं, हालांकि आजकल के मॉडल में किक हटा रहे हैं, लेकिन इस मॉडल में आपको किक और सेल्फ दोनों मिल जाएंगे। बात करें माइलेज की, तो माइलेज आपको इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छा माइलेज देखने को मिल जाएगा, यानी 50 से 55 KMPL तक का माइलेज रहने वाला है। होंडा काफ़ी ज़्यादा रिफाइन करके इसके इंजन को लॉन्च करने वाला है दोस्तों। बात करें आगे इस बाइक के बारे में, तो आपको ये कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों SP160 के बारे में तो अपन ने जान लिया, वहीं लोग कुछ बोलेंगे कि SP125 कब आने वाली है। तो देखो दोस्तों, अभी तक SP125 का तो कोई भी पता नहीं है कि किसे कब लॉन्च किया जाएगा, लेकिन होंडा ने हाल ही में ऑफिशियल टीजर होंडा SP160 का लॉन्च किया है, जबकि इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि होंडा SP160 को लाने वाला है। अब इसको क्यों लाया है इसका कारण भी जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों होंडा के पास 160 सेगमेंट में कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जिससे होंडा कंपनी की सेल इंक्रीज करी जा सके। इस वजह से होंडा ने इस बाइक को जल्द लाने का प्रयास किया है और जल्द ही ऑफिशियल ट्रेजर भी लॉन्च कर दिया है। इस वजह से आप जानते हैं कि इसके लॉन्च डेट क्या रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल ट्रेजर तो आ चुका है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अब समझ रहे होंगे कि आप 1 महीने या 2 महीने में अपने को ये गाड़ी कंफर्म देखने को मिलती है। कोई भी ऑफिशियल ट्रेजर आता है उसके 1-2 महीने में गाड़ी देखने को मिल जाती है, यानी कि आप 1-2 महीने का वेट कर सकते हैं अगर इस गाड़ी को परचेस करना है तो। प्राइसिंग की बात कर ले तो ऑन रोड प्राइस बाइक का 1,40,000 से नीचे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कमेंट करके बताएं कैसी लगी बाइक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।